दोस्तों आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हैं मैक मिनी को लेकर के कि मैक मिनी में 4K एडिटिंग होती है क्या। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैक मिनी के 4K एडिटिंग में 60 FPS जो कि 4K वीडियोस में मैक्स होने वाला है उसी का आज लाइव वीडियो एडिटिंग आपको दिखाने वाला हूँ। लगभग 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाली है और इसमें कई सारे लेयर्स में चढ़ाने वाला हूँ, कुछ टेक्स्ट भी लगाने वाला हूँ, इफेक्ट भी लगाने वाला हूँ, म्यूजिक भी लगाने वाला हूँ। ये सारी चीजें लगा करके मैं फाइनल में इसको रेंडरिंग करूंगा और दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ कि ये कितना मिनट का समय लेता है, कितना स्मूथ वर्क करता है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये जो वीडियो है आपके अगर मैक मिनी खरीद रहे हैं M2 8GB 256GB वाला वेरिएंट तो खरीदने में बहुत ही आसानी होगी। और इससे रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछिए, मैं जरूर से जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। ये मन में कोई संदेह मत रखिए, अगर आपको लेना है तो बस लेना है, जस्ट डू इट। तो अब बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। मैक मिनी M2 के स्क्रीन पर आ गए हैं और सब जो फाइल्स एक्सपोर्ट करना है, जो जिसको करना है एडिट उसको देख लेते हैं। तो ये सारे फाइल्स है जो 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड की गई है, आप जैसा कि देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चेक कर सकते हैं। 3840x2160 जो है 4K का ही रेजोल्यूशन है। तो ये सारे चीज़ों को, सारे फाइल्स को मैं करके दिखा दिया हूँ। दोस्तों अब चल लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं iMovies में। iMovies खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं जो भी फाइल्स है। तो इन सारी फाइल्स को मैं जो iMovie जिस पर एडिट करने वाला हूँ उसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट सेलेक्टर पर जाएंगे और इसको पूरे को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये पूरे मीडिया में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग इसको फुल स्क्रीन करते हैं और देखते हैं, एडिटिंग करते हैं और बाकी चीज़ें जो है पहले इसको टाइमलाइन में ये यहाँ पर सेट कर लेते हैं जितने भी फाइल्स हैं और देख लेते हैं कि कितने मिनट तक का यहाँ पर क्लिप हम लोग का तैयार हो रहा है। तो यहाँ से बारी बारी सबको रख लेते हैं और रखने के बाद दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं कि 3 मिनट का कुछ सेकंड का आगे फाइल्स और कुछ फाइल जो है लेयर चढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में कई लेयर चढ़ाने वाला हूँ इसलिए उसको सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो है वो मैं सब पर जो जो क्लिप है वहाँ पर लगा देता हूँ। बारी बारी से सारे पर इफेक्ट लगाने के बाद दोस्तों देख रहे हैं कि अब 2-3 बचा है, सब पर इफेक्ट लगा देता हूँ ताकि ऐसा कुछ नहीं रहे। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हैवी फाइल क्रिएट हो ये मेरी कोशिश है ताकि पता चले कि ये मैक मिनी की कितनी शक्ति है। अब थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके देख रहे हैं कि सारी स्मूथनेस यहाँ काम कर रही है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वर्क कर रहा है, चल रहा है। दोस्तों अब समय आ गया है इसके ऊपर लेयर चढ़ाने का। तो बारी बारी से सभी वीडियोस पर जो लेयर चढ़ाने के लिए मैंने सेलेक्ट किया था उसको मैं चढ़ा दिया ऊपर। ये भी दोस्तों 4K का ही फुटेज है। दोस्तों ये सब काम तो हो गया, ये ट्रांजेक्शन लगाने का, ऊपर लेयर चढ़ाने का। अब कुछ इसमें जो मेरा बटन है सब्सक्राइब बटन वगैरह वो भी चूंकि वीडियोस में सब डालते हैं तो वो डाल लेते हैं। तो ये बटन जो है आज ही मैं एडिट किया हूँ, नया बनाया हूँ, आप देखिएगा दोस्तों पहले की अपेक्षा ये अब कैसा लग रहा है। तो यहाँ से इसको भी मैं पोस्ट कर दिया और इसको कॉपी करके एक दो जगह और चिपका देता हूँ ताकि ये जो सब्सक्राइब बटन है सब जगह काम करे, क्योंकि लोग एक जगह तो नहीं लगाते हैं। एकदम जेन्युइन तरीके से जो एडिटिंग होती है वो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ भी इसको मैं लगा दिया, इस सब्सक्राइब बटन को यहाँ भी ले आया और एक दो जगह अगर गुंजाइश होती है। दोस्तों अब टेक्स्ट की बारी आती है, अब सारे टेक्स्ट लगा देते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हो कुछ भी लिख देते हैं। अभी ऐसा तो कुछ है नहीं तो जो भी समझ में आ रहा है उसको मैं टाइप कर दे रहा हूँ और प्ले करके देख रहा हूँ तो ये टेक्स्ट काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जो बड़ा लंबा सा बहुत सारा जो प्ले होता है वैसा टेक्स्ट लगा देता हूँ ताकि इजी वाला भी नहीं रहे और हार्ड वाला भी नहीं रहे, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इजी वाला लगे। तो इस तरह से मैं टाइप कर देता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा एनिमेट हो, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लोड कर सकूँ और इस तरह से ये टाइमलाइन में फिट हो गया है। प्ले करने के बाद दोस्तों इस तरह से ये ऊपर आगे पीछे जाते रहता है। और दोस्तों अब इसमें बड़ा सा कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि ये लिख लेते हैं सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, तो सब्सक्राइब फॉर मोर लिख देते हैं। यहाँ से कुछ अलग फॉन्ट सेलेक्ट किए हैं और इसके बाद देखते हैं इसको प्ले करके कि ये चलता है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए इसको मैं अभी प्ले कर दिया तो इस तरह से इफेक्ट आ गया। तो सारा कुछ काम कर रहा है, बहुत फ्लिक्वेंटली चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये बड़ा सा जो ये टेक्स्ट है उसको मैं ऊपर फिट कर देता हूँ तो ये भी अब काम करेगा। दोस्तों अब आ गया है म्यूजिक ऐड करने का, तो अब ऑडियो इसको ऐड करते हैं। एक और लेयर जो है नीचे वाला लेयर ऑडियो में मैं लगा देता हूँ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारा ऑडियो क्लिप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है ये iMovies में, तो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं इच्छा अनुसार। मेरी बस कोशिश ये हो रही है दोस्तों कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग के दौरान क्लिप्स ऐड करते हैं लोग और सारे कुछ ऐड करके ऐसा नहीं हो कि कोई पॉइंट छूट जाए, तो ये काम करता है कि नहीं, कितना हैवी लोड ये सहन कर पाता है। M2 वाला जो मैक मिनी आया है उस पर ये काम हो रहा है, तो इसलिए मैं सारे ऑडियोज़ को
बारी बारी से इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। और ये चूंकि 3 मिनट के आसपास ये क्लिप है, तो इसको और मैं यही फिर से दोबारा लेकर के क्लिप जो 4K है इसको 5 मिनट बनाने का कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये 5 मिनट के आसपास ये क्लिप हो गया है। कुछ कट करते हैं क्योंकि 5 मिनट ही करना है इसे कुछ सेकंड तक। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बाकी इसमें भी सारा जो लेयर्स है वो ऐड कर दिया हूँ। और उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि कट करने के बाद टोटल 4 मिनट 43 सेकंड का ये क्लिप मैंने तैयार किया है। इस वीडियो एडिटिंग को जो करना था सारा इफेक्ट मैंने कर दिया, पूरी तरह से सजा लिया। अब बारी दोस्तों आ गई है इसको इंपोर्ट करने की, सेव करने की। तो चलिए यहाँ से शेयर बटन करते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट फाइल करते हैं। और कुछ दोस्तों इसका पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 4K सेलेक्ट किया हूँ। और यहाँ से इसको हाई पर रहने देते हैं, उसके बाद ये जो है फास्ट बेटर क्वालिटी कर देते हैं। आप देख सकते हैं 1.77 GB का ये तैयार हुआ है। और इसको अब एक्सपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इसको एक नाम दे देते हैं, नाम में M2 Mac Mini 4K वीडियो एडिटिंग टेस्ट ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, उसके बाद इसको सेव करता हूँ। दोस्तों अब बारी आती है टाइमिंग की, कितना समय लेता है। 2:50 से शुरू हुआ है, अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा समय लेता है। इसको मैं फास्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों 2:52 हो रहा है और इतना अभी तक रेंडर हुआ है। देखते हैं कितना एक्सपोर्टिंग में ये टाइम लेता है 5 मिनट का क्लिप। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं 2:55 हुआ है और अभी ये देखिए आधा के आसपास हो गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से 2:57 3 बज गए हैं फाइनली ये पूरी तरह से एक्सपोर्ट करके दे दिया। चूँकि ये बहुत हैवी फाइल था तो ये लगभग 10 मिनट का समय लिया 5 मिनट के 4K 60F वाली वीडियोस। तो ये बिल्कुल फराटेदार वीडियो चल रही है, प्ले करके मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं कितना फास्ट बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये कितने MB का है और वो उसका साइज और पूरा डिटेल देख लेते हैं, चलते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं इसको मैं ये गेट इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1.69 GB का ये तैयार किया है 4K फुटेज, 5 मिनट के हैवी वीडियो 10 मिनट में रेंडर कर। ये था आज का वीडियो और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके मन में बहुत सारे संदेह को दूर की है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, काम की लगी, इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई संदेह है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। अगर कोई और लोग इसको यूज कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो भाई स्वागत है, और अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, ताकि और लोगों को खरीदने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, करते हैं अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।